क्लिनिकल ट्रायल नई दवाइयां और इलाज ढूंढने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन ये अक्सर बहुत समय लेते हैं, महंगे होते हैं और इनमें काफी पेचीदगियां होती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI क्लिनिकल ट्रायल की दुनिया को तेजी से बदल रहा है और उन्हें और भी तेज, कुशल और किफायती बना रहा है। मरीजों को भर्ती करने से लेकर डेटा विश्लेषण और रेगुलेटरी नियमों का पालन करने तक AI का इस्तेमाल क्लिनिकल ट्रायल के कई पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल में अक्सर पर्याप्त मरीजों को भर्ती करने और बनाए रखने में काफी दिक्कतें आती हैं। AI एल्गोरिदम मरीजों के डेटा का विश्लेषण करके उन संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर सकते हैं जो ट्रायल के मानदंडों को पूरा करते हैं। यह लक्षित दृष्टिकोण भर्ती प्रक्रिया को तेज करने में मदद करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सही मरीजों को नामांकित किया जाए। AI का इस्तेमाल मरीजों के व्यक्तिगत विशेषताओं और मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर उनके लिए इलाज की योजनाओं को व्यक्तिगत बनाने के लिए भी किया जा रहा है। बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करके AI एल्गोरिदम पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि विशिष्ट मरीजों के लिए कौन से इलाज सबसे ज्यादा प्रभावी होने की संभावना है। ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण मरीजों के लिए बेहतर परिणाम दे सकता है और प्रतिकूल घटनाओं के जोखिम को कम कर सकता है। AI क्लिनिकल ट्रायल में डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में क्रांति ला रहा है। AI संचालित सिस्टम डेटा प्रविष्टि, सफाई और सत्यापन को स्वचालित कर सकते हैं, जिससे त्रुटियों का जोखिम कम होता है और डेटा की गुणवत्ता में सुधार होता है। AI एल्गोरिदम बड़े और जटिल डेटा सेट का विश्लेषण करके उन रुझानों और अंतर्दृष्टि की पहचान कर सकते हैं जिन्हें मनुष्यों के लिए पहचानना मुश्किल या असंभव होगा। क्लिनिकल ट्रायल के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है पर्याप्त संख्या में मरीजों की भर्ती करना और उन्हें बनाए रखना। कई ट्रायल अपने नामांकन लक्ष्यों को पूरा करने में विफल हो जाते हैं, जिससे देरी होती है और लागत बारयास जाती है। AI इस चुनौती से पार पाने के लिए नए नए उपाय पेश करता है, क्योंकि यह बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकता है और उन संभावित उम्मीदवारों की पहचान कर सकता है जिन्हें ट्रायल से सबसे ज्यादा फायदा होने की संभावना है। AI एल्गोरिदम इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, बीमा दावों के डेटा और यहां तक कि सोशल मीडिया प्रोफाइल को भी छानकर उन मरीजों की पहचान कर सकते हैं जो ट्रायल के पात्रता मानदंडों से मेल खाते हैं। यह लक्षित दृष्टिकोण, जिसे प्रेसिजन भर्ती के रूप में जाना जाता है, यह सुनिश्चित करता है कि केवल सबसे उपयुक्त उम्मीदवारों से ही संपर्क किया जाए, जिससे सफल नामांकन की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा AI संचालित प्लेटफॉर्म संभावित प्रतिभागियों को व्यक्तिगत निमंत्रण भेजकर उनका डेटा एकत्र करके और यहां तक कि उनकी विजिट शेड्यूल करके भर्ती प्रक्रिया को स्वचालित कर सकते हैं। यह न केवल शोध टीमों के लिए समय और प्रयास की बचत करता है, बल्कि एक सहज और सुविधाजनक नामांकन प्रक्रिया प्रदान करके मरीज के अनुभव को भी बेहतर बनाता है। AI मरीज प्रतिधारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जो पूरे ट्रायल के दौरान पूर्ण और विश्वसनीय डेटा एकत्र करने के लिए महत्वपूर्ण है। AI संचालित एप्स और पहनने योग्य उपकरण मरीजों के स्वास्थ्य की स्थिति की दूर से निगरानी कर सकते हैं, दवा के पालन के लिए रिमाइंडर भेज सकते हैं और व्यक्तिगत सहायता और शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से क्लिनिकल ट्रायल में इलाज के लिए एक ही तरीका अपनाया जाता रहा है, जहां सभी प्रतिभागियों को एक ही मानक थेरेपी दी जाती है। हालांकि हर मरीज अलग होता है और आनुवंशिकी, जीवन शैली और मेडिकल इतिहास जैसे कारक इलाज के प्रति उनकी प्रतिक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकते हैं। AI शोधकर्ताओं को इस मानकीकृत मॉडल से आगे बढ़ने और प्रत्येक व्यक्ति की विशेषताओं के अनुरूप व्यक्तिगत उपचार योजना विकसित करने का अधिकार देता है। AI एल्गोरिदम आनुवंशिक प्रोफाइल, मेडिकल रिकॉर्ड और जीवन शैली कारकों सहित रोगी की जानकारी के विशाल डेटा सेट का विश्लेषण करके पैटर्न की पहचान कर सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति विभिन्न उपचारों पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यह चिकित्सकों को प्रत्येक रोगी के लिए सबसे प्रभावी उपचार व्यवस्था का चयन करने, सफलता की संभावना को अधिकतम करने और प्रतिकूल घटनाओं के जोखिम को कम करने की अनुमति देता है। इसके अलावा AI पूरे परीक्षण के दौरान रोगियों की प्रगति की लगातार निगरानी कर सकता है और आवश्यकता अनुसार उपचार योजनाओं को समायोजित कर सकता है। बायोमार्कर, दवा पालन और अन्य प्रासंगिक डेटा को ट्रैक करके AI एल्गोरिदम उपचार प्रतिक्रिया या प्रतिकूल प्रभावों के शुरुआती संकेतों की पहचान कर सकते हैं।
ये समय पर हस्तक्षेप और उपचार रणनीतियों के अनुकूलन को सक्षम बनाता है, जिससे बेहतर रोगी परिणाम प्राप्त होते हैं और संभावित रूप से परीक्षण की अवधि कम हो जाती है। उपचार योजनाओं को निजीकृत करने की AI की क्षमता से न केवल रोगियों को लाभ होता है, बल्कि नैदानिक परीक्षणों की दक्षता में भी वृद्धि होती है। विशिष्ट रोगी उपसमूहों के लिए सबसे प्रभावी उपचारों की पहचान करके AI शोधकर्ताओं को अपने प्रयासों को सबसे आशाजनक तरीकों पर केंद्रित करने में मदद कर सकता है, जिससे नई चिकित्सा के विकास में तेजी आ सकती है। भाग 4, डेटा प्रबंधन और विश्लेषण में क्रांति लाना। नैदानिक परीक्षण विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड, इमेजिंग अध्ययन, लैब रिपोर्ट और रोगी द्वारा रिपोर्ट किए गए परिणाम शामिल हैं। इस डेटा प्रलय का प्रबंधन, विश्लेषण और व्याख्या करना शोधकर्ताओं के लिए एक कठिन काम हो सकता है। AI डेटा प्रबंधन प्रक्रियाओं को स्वचालित करके, डेटा की गुणवत्ता में सुधार करके और छिपी अंतर्दृष्टि को उजागर करके नैदानिक परीक्षणों के इस महत्वपूर्ण पहलू को बदल रहा है। AI संचालित सिस्टम असमान स्रोतों से डेटा निष्कर्षण को स्वचालित कर सकते हैं, मैनुअल त्रुटियों के जोखिम को कम कर सकते हैं और मैनुअल श्रम के अनगिनत घंटे बचा सकते हैं। ये सिस्टम चिकित्सक नोट्स और डिस्चार्ज सारांश जैसे असंरचित टेक्स्ट दस्तावेजों से प्रासंगिक जानकारी निकालने के लिए प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण या NLP और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं, उन्हें विश्लेषण के लिए उपयुक्त संरचित डेटा में परिवर्तित करते हैं। एक बार डेटा एकत्र और संरचित हो जाने के बाद AI एल्गोरिदम पैटर्न, रुझानों और सहसंबंधों की पहचान करने के लिए जटिल विश्लेषण कर सकते हैं, जिन्हें मनुष्यों के लिए पहचानना मुश्किल या असंभव होगा। ये अंतर्दृष्टि शोधकर्ताओं को नए उपचारों की सुरक्षा और प्रभावकारिता को समझने, संभावित दुष्प्रभावों की पहचान करने और यह निर्धारित करने में मदद कर सकती है कि कौन से रोगी उपसमूहों को सबसे अधिक लाभ होने की संभावना है। इसके अलावा AI संभावित त्रुटियों, विसंगतियों और लापता डेटा की पहचान और ध्वजांकित करके डेटा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है। यह सुनिश्चित करता है कि विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाने वाला डेटा सटीक और विश्वसनीय है, जिससे अधिक मजबूत और भरोसेमंद परिणाम प्राप्त होते हैं। भाग 5, AI संचालित रोगी निगरानी और प्रोटोकॉल का पालन। रोगी की निगरानी और प्रोटोकॉल का पालन नैदानिक परीक्षणों के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जो प्रतिभागियों की सुरक्षा और एकत्रित डेटा की अखंडता को सुनिश्चित करते हैं। परंपरागत रूप से निगरानी व्यक्तिगत यात्राओं और स्व रिपोर्ट किए गए डेटा पर निर्भर करती थी, जो रोगियों के लिए बोझिल हो सकती है और त्रुटियों का खतरा हो सकता है। AI दूरस्थ, निरंतर और व्यक्तिगत डेटा संग्रह को सक्षम करके रोगी जुड़ाव में सुधार और प्रोटोकॉल अनुपालन सुनिश्चित करके रोगी निगरानी को बदल रहा है। AI संचालित पहनने योग्य उपकरण और सेंसर मरीजों के महत्वपूर्ण संकेतों, गतिविधि स्तर, नींद के पैटर्न और अन्य प्रासंगिक मानकों पर वास्तविक समय डेटा एकत्र कर सकते हैं। इस डेटा को वायरलेस तरीके से एक सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर प्रेषित किया जा सकता है, जहां AI एल्गोरिदम द्वारा अध्ययन प्रोटोकॉल से किसी भी असामान्यता या विचलन का पता लगाने के लिए इसका विश्लेषण किया जाता है। इसके अलावा AI संचालित चैटबॉट और वर्चुअल असिस्टेंट दूर से मरीजों के साथ बातचीत कर सकते हैं, उन्हें दवा के पालन के लिए व्यक्तिगत अनुस्मारक प्रदान कर सकते हैं, उनके सवालों के जवाब दे सकते हैं और उनकी किसी भी चिंता का समाधान कर सकते हैं। यह आभासी समर्थन रोगी जुड़ाव में सुधार कर सकता है, शोध कर्मचारियों पर बोझ को कम कर सकता है और प्रोटोकॉल विचलन के जोखिम को कम कर सकता है। AI गैर अनुपालन या प्रतिकूल घटनाओं के जोखिम वाले लोगों की पहचान करने के लिए रोगी डेटा का विश्लेषण भी कर सकता है। प्रारंभिक चेतावनी संकेतों का पता लगाकर, जैसे कि छूटी हुई दवा की खुराक या महत्वपूर्ण संकेतों में परिवर्तन, AI एल्गोरिदम समय पर हर इंटरवेंशन को ट्रिगर कर सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत अनुस्मारक, अध्ययन कर्मचारियों के फोन कॉल या उपचार योजना में समायोजन।